हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो मैं पार्लर गई थी ना, अपना ब्लाउज भी उठाया था वहाँ से और मैंने अपनी आईब्रो मतलब थ्रेडिंग भी करवाई थी। तो वहीं पर मुझे ये ज्वेलरी दिख गई थी, रेड कलर की जो ब्राइडल की ज्वेलरी होती है ना, पूरी फुल ज्वेलरी, तो वो मुझे दिख गई थी। तो मेरे पास लहंगा रखा ही हुआ था, तो मेरा मन किया कि मैं ब्राइडल लुक क्रिएट करूँगी। तो मैंने दो तरह की ज्वेलरी देखी उनके यहाँ, एक ये पूरी रेड की थी, रेड लहंगे के हिसाब से, और एक रेड और ग्रीन भी थी। ये देखिए, तो फिर मैं रेड वाली लेके आ गई थी क्योंकि वो मेरे लहंगे से एकदम मैच कर रही थी। ये देखिए, ये है मेरा शादी का लहंगा और मैं यहाँ पर शादी में पहनने के लिए लेके आई थी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई थी हैवी होने की वजह से, और अयान का भी टाइम था उस टाइम पे, तो फिर मैंने नहीं पहना था, तब से रखा ही हुआ है। तो मैंने कहा आज हम फिर से ब्राइडल बनेंगे। और ये देखिए शिवानशी ने कितना सुंदर लिखा है, ये देखिए। शिवानशी ने नहीं लिखा है, मम्मी पढ़ाती है ना उसकी लिख के। वहां से आप नई दुल्हन लग गई हो। और ये मैंने हरियाली अमावस का महावर भी लगाया था, तो एकदम ब्राइडल ही जैसा लग रहा है, जैसे महावर वगैरह वगैरह लगा के रखते हैं, तो वैसे ही लग रहा है एकदम। अरे वही वाह, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा, सुंदर लग रहा है। सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है, सही होता सही में। क्या तो मेकअप कर रही है, देखा कौन सा पाउडर है, देखा पाकिस्तान। ये देखिए फेस पाउडर नहीं है, मैं नहीं लेके आ पाई थी, नीलम का भी बिट्टी ने तोड़ दिया है कहीं, शिवानशी ने फिर घमौरी पाउडर लगा दी है फेस पाउडर। और नंदिनी और नीलम मिलके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो मैं मेकअप किट वगैरह तो लेके नहीं आई थी, पार्लर गई थी तो मुझे याद ही नहीं रहा, ज्वेलरी पे नज़र पड़ी तो बस ज्वेलरी लेके आ गई थी। तो वो ये लिपस्टिक होती है ना, लिपस्टिक से ही आई मेकअप कर रही, तो मैं नंदिनी को चिढ़ा रही थी कि तू अपना एक पार्लर खोल ले, फिर ब्राइडल होके मेकअप करेगी जब ऐसे, तो फिर ब्राइडल तुझे पकड़ के मारेंगी इस तरीके। लाइट मेकअप अच्छा लगता है भारी भरकम से, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो भारी मेकअप पूरा बहने लगता है। और यहाँ पर मेकअप चल रहा था तभी आ गया था अयान का, अयान के पापा का फ़ोन, मैं कह रही अयान का फ़ोन, क्योंकि वो रास्ते में तो बस पूछने लगे थे क्या हो रहा है, तो मैंने उनसे नहीं बताया कि मैं दुल्हन बन रही हूँ। मैंने कहा जब वीडियो देखेंगे तब उन्हें एकदम से शौक लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं बातें कर रही थी और यहाँ नंदिनी लगा रही थी नेल पेंट मेरे, तो कल मैंने ग्रीन लगाई थी हरियाली अमावस पे, तो उसी के ऊपर रेड लगा दी है। और यहाँ पर आई मेकअप में ये लिपस्टिक से जो किया है नंदिनी ने रेड, हल्का लाइट मेकअप, उसके बाद लाइनर, काजल, आँखों में ऊपर पेंसिल, ये सब लगाने के बाद लाइट आई मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर ना हैवी जो आई मेकअप होता है वो अच्छा लगता नहीं है ज़्यादा फेस की वजह से। उसके बाद मैंने ये बीच से मांग निकाल के पूरे ऐसे बीच से मांग में सिंदूर लगाया, उसके बाद नीलम बना रही है इसमें हेयर स्टाइल, क्योंकि नीलम बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाती हैं और ब्राइडल वाली भी बना लेती है बहुत प्यारी, वो अपने हिसाब से ब्राइडल वाली बना रही है, जैसे आगे नहीं बनाते हैं पूरे ब्राइडल के दोनों तरफ से और पीछे अलग से जूड़ा वाली हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसे ही बना। हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें बहुत मेहनत की है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आगे से बनाई है और पीछे से फिर खूब सारी क्लिप लगा के ऊपर करके जो जूड़ा बनाते हैं वैसे। और मेन चीज़ जो ब्राइडल के मेकअप में होता है ना, वो लुक पूरा ज्वेलरी से आता है, अगर ज्वेलरी नहीं होती ना तो फिर उतना मेकअप का वो नहीं रहता, मेकअप थोड़ा बहुत ना 19-20 रह भी जाए ना, तो अगर ज्वेलरी वगैरह पूरी पहन लो तो पूरा फिर ब्राइडल लुक लगने लगता है। ये देखिए इस तरीके से ये जूड़ा बना रही है नीलम।
और उसके बाद नीलम जा रही है ज्वेलरी पहनाने के लिए, तो इसमें सब कुछ है इस ज्वेलरी में। तो मैं ये रेड वाली लाई थी क्योंकि पूरी परफेक्ट मैच कर रही थी रेड और गोल्डन, क्योंकि जो ग्रीन थी उसमें अच्छी तो बहुत लग रही थी, वो थोड़ी नई तरीके की डिज़ाइन की हुई थी लेकिन वो इससे मैच नहीं कर रही थी, ये पूरा ही मैच कर रहा था। तो मैंने कहा ये मेरा लहंगा रखा ही हुआ था, मैं पहन नहीं पाई थी, तब से लॉक रखा हुआ है, इतना हैवी है, फिर मैं इसको उठा के ले भी नहीं जा पाई। तो कुछ इस तरीके से दोनों नेकलेस पहन लिए, जो गले में एक चिपका हुआ होता है बड़ा वाला, और उसके बाद ये मांग टीका, ये देखिए बहुत हैवी होती है ब्राइडल की ज्वेलरी, मतलब ये तो लुक क्रिएट कर रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए पहना है, लेकिन जो ब्राइडल पहनती है तो काफ़ी देर पहनना होता है, तो सच में काफ़ी हैवी लगता है ये सब चीज़ें। और ये देखिए ये हैं कानों के, लेकिन उस टाइम पर सब लोग पहन लेते हैं, अच्छा लगता है, एकदम नया नया लगता है पहनने के बाद में। और उसके बाद ये कानों के भी मैंने पहन लिए, और उसके बाद रह गया बाजू बंद, और जो हाथों में हथ फूल होते हैं क्या बोलते हैं, हाँ वो भी पहनने हैं अभी। तो ये देखिए इस तरीके से पहन लिया है बाजू में, और यहाँ पर अभी चूड़े नहीं पहने हैं, चूड़े रह गए थे लाने के लिए, तो बगल से ही नंदिनी लेने गई है। और यहाँ पर ये जो चुनरी लगाते हैं ऊपर से, तो चुनरी लगा दी है, ये देखिए इस तरीके से। मुझे तो पता भी नहीं था ब्राइडल की चुनरी कैसे लगती है, लेकिन नीलम को आती थी, काफ़ी कुछ आता है नीलम को, हेयर स्टाइल भी अच्छी बना लेती है, चुनरी वगैरह कैसे लगाते हैं वो भी लगा ली, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि वो जो आगे से पल्ला लगा के बनाते हैं वैसे बनाना होगा। और ये हैं चूड़े, अभी नंदिनी लेके आई थी, चूड़े की मुझे याद ही नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि घर पे रेड चूड़ियाँ होंगी तो मैं वो पहन लूँगी, लेकिन रेड चूड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं निकली, तो इसकी वजह से फिर चूड़ा ही लाना पड़ा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ये चूड़े और पहन लूँगी, क्योंकि ब्राइडल लुक है तो पूरा ही क्रिएट करेंगे, मतलब जितना कर पाएंगे, पार्लर जैसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि पार्लर का मेकअप ही एकदम अलग होता है, एकदम ही अलग होता है, बहुत मतलब सफाई से आता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि ब्राइडल लुक के बाद कैसा लगता है पूरा ये सब करने के बाद। तो इस तरीके से पूरे ब्राइडल के जितने भी तामझाम होते हैं, देखिए मेहंदी भी लगी है, नेल पेंट, रंग, सब कुछ लगा है, पूरा ब्राइडल लुक क्रिएट किया है। मैं दिखाती हूँ पूरा लुक आप लोगों को एक बार। और यहाँ पर नीलम कह रही थी जब इतने मेहनत से हमने तैयार किया है, एक एक चीज़ पहनाई है, इतनी मेहनत की है, तो फिर वो जो फ़ोटो शूट होते हैं ना ब्राइडल वाले, वो जैसे जैसे हाथ करके करती वो बता रही है ऐसे करो ऐसे करो, सारे पोज बता रही, लेकिन ये क्या है कि वो जो फ़ोटो शूट ना सबसे कठिन होता है जब शादी में करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना अपने हिसाब से हाथ नहीं बना पाते, हमें पता ही नहीं रहता हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, तो वही नीलम अभी बनवा रही थी कि ऐसे ऐसे फ़ोटो दो, तो मेरे उतने अच्छे से नहीं बन रहे थे क्योंकि जो फोटोग्राफर होते हैं ना वो वैसे हाथ करवा ही लेते हैं, उन्हें जैसी फोटो लेनी होती। तो इसी तरीके से ये फोटोशूट थोड़ा सा हमने कर लिया कि चलो तैयार हुए हैं तो कुछ अच्छी अच्छी फोटो निकाल लेते हैं। मम्मी अंदर थी जब मेकअप वेकअप चल रहा था, यहाँ पर मम्मी नहीं थी, अंदर लेटी हुई थी, तो अभी मम्मी को देखने के लिए बुलाया, मम्मी देख के एकदम इमोशनल हो गई, उनको याद आ गई मेरी शादी की, मतलब उन्हें अजीब सा लगने लगा, तो मैंने कहा ज़्यादा इमोशनल हो ये। मम्मी कह रही बहुत अच्छा तैयार किया है, नजर ना लग जाए, हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, तो मम्मी कह रही नजर ना लगे। अभी मैंने नीलम के शीशे में जाके देखा था, यहाँ से मुझे भी अपना पूरा गेटअप नहीं समझ में आ रहा था, तब मैंने देखा कि हाँ सच में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की हैं, पर ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे कि डांस करो, ऐसे नहीं हमने इतना तैयार किया है, डांस मुझे आता नहीं, आप लोगों को पता ही है कि मैं हर बार कैसा डांस करती हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सा इनके लिए मटक दिया था। और मैं इन लोगों से कह भी रही थी कि साथ में करो, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा देख देख के कर लेती हूँ, लेकिन मैं इन लोगों ने किया नहीं, और कुछ तो डांस आता नहीं है, और कुछ हमें क्या है कि गाना नहीं डाल सकते हैं जिस गाने में कर रहे होते हैं, वरना थोड़ा बहुत मैच भी कर जाए, म्यूजिक बदल जाता है तो और अच्छा।
गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मैं ऐसे हटा दूंगी। और काफी अच्छा लग रहा है करने के बाद, मतलब जो था मन में वो सब पूरा हो गया। और बहुत सुंदर लग रहे हो मेकअप आर्टिस्ट नंदिनी सिंह और नीलम सिंह, हेयर स्टाइलिस्ट है नीलम सिंह और मेकअप आर्टिस्ट। आप लोगों को मेरा और मामी का जो मासी का ये मेकअप लुक किया है, लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से पता चल जाता है कि किसने कितना पसंद किया। लेकिन माजी लाइक आए ना आए, लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कमेंट बहुत ज्यादा आएंगे आपके, कमेंट में भी लिख के बताएंगे ना लोग कैसा किया है। वीडियो पर एंड करेंगे, जैसे माजी लाइक रेड देख रही है ना, ऐसे आपकी लाइक की बटन की रेड रेड हो जानी चाहिए बस। अच्छा, किसी की में ब्लू होती है, किसी की में रेड होती है, बस वो हो जानी चाहिए। वो ग्रे आती है, अब तो ग्रे आती है, मेरे में रेड आती है। अच्छा, तो बस अब ये इस गेटअप को मैं रिमूव करने जा रही थी, तो नीला मेरी हेल्प कर रही, क्योंकि बहुत सारे पिन वगैरह इस चुनरी में लगे हुए थे। सच में जब ब्राइडल बनते हैं ना, तो यही सारी चीज़ें लगाते हैं, इतने सारे पिन, जूड़ा। अभी तो मेरे अंदर जूड़ा नहीं लगा, एक जूड़ा जो लगाते हैं ना बहुत बुरी तरह फंस जाता है वो। और ये देखिए, बिना मेकअप के मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये देखिए एकदम खाली खाली सा। तो बस सब कुछ मैंने निकाल दिया है, ज्वेलरी उनकी पहुंचा दी है, और बस अब मैं ये लहंगा वगैरह तय करके पैक करके पूरा रख दूंगी। कुछ ऐसे ही हमने लुक क्रिएट करा था। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो